डंडई प्रखंड के करके पंचायत में ठेकेदार की हुई मौत। डंडई से संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट। डंडई प्रखंड के करके पंचायत में ठेकेदार विजय प्रजापति की मौत हो गई। विजय प्रजापति अपने काम पर मजदूरों को लेकर 6-7 दिन पूर्व गए हुए थे। घर वापस लौटने के बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। खांसी के साथ वे अच्छी प्रकार से खांसी नहीं ले पा रहे थे, जिसके कारण गढ़वा सदर हॉस्पिटल में परिजनों ने भर्ती कराया। करके पंचायत के मुखिया सरवन चंद्रवंशी ने काफी दुख व्यक्त करते हुए अपने पंचायत के लोगों को सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सामाजिक दूरी, गर्म पानी का नियमित प्रयोग एवं अनावश्यक भीड़ नहीं लगाने का अनुरोध किया है। मुखिया सरवन चंद्रवंशी ने कहा कि इसके बारे में पहले से जानकारी नहीं थी, अगर जानकारी होती तो मैं इनका इलाज एवं ऑक्सीजन का बंदोबस्त अवश्य कराता। आपके पंचायत में आज इस प्रकार से मृत्यु हुई विजय प्रजापति को, आप इस संबंध में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे ग्राम पंचायत करके में विजय प्रताप प्रजापति का जो मृत्यु हुई है, इससे पूरे गांव समाज ग्रामीण मर्माहत में है। और यह सच्चाई बात है कि इनका मृत्यु का लक्षण डॉक्टर के द्वारा जानकारी प्राप्त करने पर कोरोना ही साबित महसूस हो रहा है। और इनका लेबर ले जा करके बाहर छोटा कॉन्ट्रैक्टर के रूप में ही थे, काम कराते थे, इसी में संक्रमण फैलने का संभावना व्यक्त हम लोगों को लगा है। और विशेष खासकर अपने पंचायत वासियों को पहले भी प्रचार प्रसार के माध्यम से और आज भी बराबर टोले महल्ले में चलकर समझाने का भी प्रयास करते हैं कि सरकार का जो गाइडलाइन है, मास्क लगा के चलना, सोशल डिस्टेंस के पालन करना, सैनिटाइज हाथ को करना, साबुन से अच्छा से हाथ धोना और गर्म पानी का यूज करना, एक दूसरे से दूरी बना करके रहना, यह तमाम जो गाइडलाइंस है सरकार का, जो जिम्मेवारी है हमारा, हमने बखूबी से जिम्मेवारी निभा रहे हैं। लोगों को आज भी संदेश दे रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि सरकार का गाइडलाइन का फॉलो करें और तभी हम लोग, जैसे कि पहला बार का राउंडिंग में जो कोरोना आया था उसमें हम लोग इसी तरह से मेहनत से काम किए थे, आज भी हम लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, करने के लिए भी तैयार हैं। पंचायत वासियों से भी अनुरोध कर रहे हैं कि कोई बाहर के लोग जब आएँ तो उसको हमारे तक संदेश जाए आवे, ताकि हम उनको सुरक्षित व्यवस्था कहीं व्यवस्थित करके जांच ट्रीटमेंट के लिए सोच सकें। यही सारे बिंदु है, सबको अगर सुरक्षित रहना है तो सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। मैं मुखिया सह प्रधान ग्राम पंचायत करके प्रखंड डंडई सरवन कुमार चंद्रवंशी।